खबर श्री गंगानगर के घड़साना से है, जहां पर किसानों की समस्या को लेकर एवन टीवी पर प्रमुखता से खबर प्रसारित की गई, जिसके बाद सिंचाई विभाग हरकत में आया और अधीक्षण अभियंता राम सिंह ने प्रशासन के साथ माइनर के मीगे ठीके ठीक करवाए। ऐसे में किसानों ने एवन टीवी का आभार भी जताया, तो वहीं एवन टीवी की टीम ने पूरे मामले को लेकर जायजा लिया। एवन टीवी राजस्थान के ऊपर जेएम माइनर के किसानों की जो 90 दिन से धरना चल रहा था, उसकी खबर को चलाने के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान का जो सिंचाई विभाग है वो हरकत में आया है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाएंगे कि जो नहर के माइनर के मोगों की समस्या थी, उन मोगों को दोबारा से लगाना, जो उनकी मशीनें थी उनको ठीक करके दोबारा से लगाने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि जो किसान हैं इन माइनरों या इन मोगों के साथ संबंधित, वो लगातार मौके पे मौजूद भी हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो मशीनें मोगों के अंदर लगाई जा रही हैं, उन मशीनों के लगने के बाद जब तक हमारे खेतों के अंदर पूरी पानी सिंचाई की मात्रा जो जितनी होनी चाहिए वो नहीं पहुंचती, तब तक हम विभाग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। अगर जो नई मशीनें लगाई जा रही हैं, जब मोगों का लेवल सही किया जा रहा है, अगर वो सही होने के बाद जो उनके जरूरत के हिसाब से खेतों की जो सिंचाई होगी उसके बाद ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। एवन टीवी राजस्थान की टीम इस वक्त जो है उस माइनर के ऊपर मौजूद है और आप लगातार देख भी पा रहे हैं कि जो माइनर के मोगे हैं उसको लगातार ठीक करने का जो कार्य है वो शुरू किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी सुखविंदर के साथ हरनेक सिंह, एवन टीवी, जेएम माइनर, गढ़साना, श्रीगंगानगर।